हाय, मैं हूं जसमीन पटेल, वेलकम बैक। एक इंसान कब तक होप कर सकता है कि मेरी जिंदगी में एक चमत्कार होगा, एक मिरेकल होगा या मेरी जिंदगी बदल सकती है। कई बार कई लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि सारी खिड़कियां बंद, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, उम्मीद की कोई किरण, कोई जगह नहीं होती है। फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं ऐसी ही एक कहानी आपको सुना रहा हूं जिसमें एक बंदा 20 साल सड़कों पर रहा। 20 साल तक उसने भीख मांग के खाना खाया, सड़कों पर सोना, रहना, सब कुछ सड़कों के ऊपर ही। जरा सोचो उस बंदे की जिंदगी में क्या हो सकता है। जो बंदा 20 साल सड़क पर भीख मांग रहा है, उसकी जिंदगी में क्या चेंज हो सकता है और हो के भी क्या चेंज हो जाएगा, कितना आगे बढ़ जाएगा वो बंदा। मैं बताता हूँ कि वो बंदा कितना आगे बढ़ जाएगा, लेकिन शुरू से बताता हूँ। भाई साहब का नाम टेड विलियम, जो ब्रुकलिन में पैदा हुए थे। पहले वो रेडियो में अनाउंसर थे, लेकिन ज़िंदगी के हालात कुछ ऐसे हुए, कुछ उनकी भी गलती, नशे की बुरी आदत और ये सारी चीज़ें मिलाकर उनकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई। सब कुछ ख़त्म हो गया, सब ने साथ छोड़ दिया, बंदा सड़क पर आ गया। अब उसको भीख मांग के खाना खाना पड़ता था। ऐसे करते 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 20 साल निकल गए और यही उसकी ज़िंदगी, ना सोने का ठिकाना, ना खाने का, बस इधर से उधर भटकना रहता था। और इन 20 सालों में उन्होंने सब कुछ देख लिया, जितनी तकलीफें होती है, दर्द होता है ऐसे लोगों का, सब कुछ देख लिया। कई बार नशे की बुरी आदत की वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरी किस्मत ने या मेरे हालातों ने, जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ, उसने मेरे से सब कुछ छीन लिया, कुछ भी नहीं बचा है। ना कोई बैकअप है, ना कोई अपने हैं, ना पैसा है, ना कोई गोल है, ना कोई करियर है, दो वक्त का खाना तक नहीं है, सब कुछ छीन लिया। लेकिन एक चीज़ है और वो चीज़ मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, ना मेरी बुरी किस्मत, ना मेरे बुरे हालात, ना लोग, ना दुनिया, मेरे अपने, कोई भी मुझसे वो नहीं छीन सकता है। और वो है मेरी आवाज़, मेरी गोल्डन वॉइस। वो अपनी वॉइस को गोल्डन वॉइस कहते हैं। तो उन्होंने एक साइन बोर्ड बनाया, उसमें लिखा कि मेरे पास ऊपर वाले की देन है, मेरे पास गोल्डन वॉइस है। मैं पहले रेडियो में अनाउंसर था, लेकिन बुरे हालातों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो अगर आप कोई मदद कर सकते हो तो मैं आपका आभारी रहूँगा, मदद कीजिए बस। अब ज़रा सोचो, एक साइन बोर्ड बना, ये होप देखो, चारों तरफ अंधेरा है, तो बंदा कितना स्ट्रांगली उसको लगता होगा कि शायद कोई देख ले, शायद कोई मदद कर दे और शायद मेरी ज़िंदगी बदल दे। अब ज़रा सोचो, ऐसा कभी ये सोचने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए। जब चारों तरफ अंधेरा होता है ना, तो इतना सोचने के लिए भी बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो वो बंदा वो साइन बोर्ड लेके रोड पर खड़ा रहता था और गाड़ियां आती थी, जाती थी इतनी स्पीड में, फिर भी उसको लगता था कि कुछ हो सकता है, कुछ तो हो सकता है। तो एक दिन एक रिपोर्टर की नज़र पड़ी, ये भाई साहब पेट्रोल पंप पर खड़े रहते थे और उसके बाद पेट्रोल पंप के पीछे ही एक टेंट बना था, वहाँ पर सो जाते थे। तो रिपोर्टर ढूंढते ढूंढते आया और इनका इंटरव्यू किया कि भाई देखे तो सही आपकी आवाज़ कैसी है। और वो जो वीडियो था वो उस बंदे ने यूट्यूब पर डाल दिया, यहाँ पर बात खत्म हो गई। अब टेड विलियम तो रोज़ की तरह वो साइन बोर्ड लेकर खड़े रहा करते थे, लेकिन वो वीडियो वायरल हो गया। इतना वायरल हुआ कि लोगों ने पसंद किया, तारीफ की, बहुत घुमा वो वीडियो। अब लोग इनको ढूंढ रहे हैं, मीडिया इनको ढूंढ रहा है कि ये बंदा कहाँ है, इसका इंटरव्यू करना है। इनको बुलाया गया जॉब के लिए, जॉब के लिए भी इंटरव्यू हुआ और पहले इंटरव्यू में इनको जॉब मिल गई। अचानक से ज़िंदगी पलट गई, फिर से उनके सामने वो माइक आ गया और धीरे 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 करके इनको एड फिल्म्स मिलने लगे, वॉइस ओवर का काम मिलने लगा, अमेरिका की जानी मानी हस्तियों में इनका नाम आने लगा, बड़े बड़े लोग इनको मिलने आते थे और ये एक सेलिब्रिटी बन गए। वो लाइट्स, सब कुछ, वो चकाचौंध वाली ज़िंदगी हो गई जो कुछ महीने पहले सड़कों पर कट रही थी, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा था, वो बंदा आज सेलिब्रिटी बन गया। भाई साहब बड़े बड़े शोज करने लगी थी, ज़िंदगी पूरी बदल चुकी थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे साथ ऊपर वाले ने इतना अच्छा किया, मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मेरी ज़िंदगी रातों रात पलट गई, तो ऊपर वाले ने कुछ तो सोचा होगा ना, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, कोई तो रीज़न होगा ना। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जो मिला है मुझे अब आगे भी देना है लोगों को। वैसे नेचुरली कोई और होता है इस जगह पर तो ये सोचता है कि 20 साल की इतनी बुरी ज़िंदगी के बाद अगर कुछ अच्छा मिला है तो भाई उसका एंजॉय करो अब। और ये बहुत कम लोगों के अंदर ये सोच होती है कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो क्यों हुआ है, चलो कोई रीज़न है, मुझे भी अब वापस लोगों के लिए कुछ करना चाहिए अगर मेरे साथ इतना अच्छा हुआ है नेचुरली तो। लेकिन इन्होंने सोचा और इन्होंने उनके जैसे जो लोग हैं जो सड़क पर रहते थे, भूख के मारे जो तड़प रहे थे, उनके लिए कुछ करने के लिए सोचा। उनके लिए खाने का इंतज़ाम, उनके कपड़ों का इंतज़ाम, उनके कपड़े धोने का इंतज़ाम,
क्योंकि उनको पता है कि वो ज़िंदगी कैसी होती है। उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है, वो भी बहुत सक्सेसफुल रही। हर चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब की है उसमें कि सड़क पर रहने वाले लोग किसी को अच्छा नहीं लगता है। हर एक बंदे की एक स्टोरी होती है, कुछ होता है उसकी ज़िंदगी में ऐसा, तब जाके बंदा सड़क पर रहने पर मजबूर होता है। तो अब ऐसे लोगों को मदद करके इनको सुकून मिलता है, वो उनसे गले मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उनके बारे में हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। टेड विलियम की ये स्टोरी हमको दो बातें सिखाती है। पहली तो ये कि किसी की भी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर इंसान के पास होप है तो कुछ भी हो सकता है। अगर इंसान होप ही छोड़ देता है उसके बाद होने के चांसेस बहुत कम है। तो कुछ भी हो जाए, उम्मीद मत खोना, क्विट मत कर देना, कभी भी चेंज हो सकती है दुनिया आपकी। और दूसरी बात, अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है, आप कैपेबल हो, तो आगे भी आप बाकी लोगों के बारे में सोचो जो आपके जैसे थे या जिनको आपके जैसे ज़रूरत है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे साथ कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी की हो या आपके आसपास कोई ऐसी स्टोरी हो इससे लोगों को कुछ सीखने मिल सकता है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर उसको कवर करने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हो और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।